गेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज, ये काफी चैलेंजिंग होता है। स्पेशली दिक्कत तब आती है जब बात खाने की हो। प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत सोच समझ के कुछ भी खाना होता है, क्योंकि आपके डाइट का असर सीधे आपके बेबी पे होता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे फूड्स की जिन्हें आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे। पहला, हाई शुगर वाली चीजें जैसे चॉकलेट्स, कैंडीज, केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब आप ये सब फूड खाते हैं तो आपके बॉडी में एकदम तेजी से शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में शुगर का लेवल स्टेबल नहीं रहता और इसका असर आपके बेबी के डेवलपमेंट पे भी हो सकता है। दूसरा है हाई शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे सोडा, फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स। ये ड्रिंक्स आपके ब्लड में काफी जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं किसी भी नॉर्मल या सॉलिड फूड्स के मुकाबले, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है मैदा से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता और रिफाइंड कार्ब्स जैसे व्हाइट राइस और पोटेटोज। ये फूड्स में फाइबर्स की कमी होती है, जिसके कारण ये बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जिसका मतलब है कि शुगर लेवल भी उतना ही तेजी से बढ़ जाता है। और चौथा है प्रोसेस्ड फूड्स जैसे फास्ट फूड्स, पैकेज्ड चिप्स और स्नैक्स या फ्रोजन फूड आइटम्स से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फूड्स आपका ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ाते ही हैं, साथ में आपका वजन भी काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। और पांचवा है अल्कोहल यानी शराब का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही हार्मफुल होता है। साथ ही अल्कोहल आपके शुगर लेवल को घटा या बढ़ा सकता है। तो ध्यान रहे कि आप जो भी खाएं वो अपने हेल्थ को ध्यान में रख के खाएं, और अगर जरूरत पड़े तो अपना डाइट प्लान करवा लें, जिससे आपके नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल मेड विकी को सब्सक्राइब कर दीजिए।